सुनिए फिर वही मनुष्य बीवियों वाली बात। और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, जब कोई आदमी मिशन पे जा रहा हो पीछे से आवाज नहीं देते, उसके वारसान नाराज होते हैं। हैं? हाँ। ये सागर वाला कौन सा मिशन है? है आदमी बजाए खुद एक महशरे ख्याल, है आदमी बजाए खुद एक महशरे ख्याल, ये था किसी और का तखय्युल अब मेरा भी है यही ख्याल। आ हा 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 भाई आतिश मियाँ क्या जिद्दत निकाली है उर्दू में। अर्ज किया है दुख झेलेंगे दर्द सहेंगे, दुख झेलेंगे दर्द सहेंगे, कब तक ये हालात रहेंगे। आ हा 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 आतिश साहब क्या जिद्दत निकाली है। अरे आतिश साहब अपने गले को लगाम दीजिए, आपकी आवाज पूरे पोर्शन में दनदनाती फिर रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। नॉनसेंस, आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी, चेहरा लेके आ गए जी। कौन है आइए। कौन जी? जी मैं वही जिसे आप वारिस कह सकती हैं। वारिस कौन जी? कमाल है, यानी आप भूल ही गई, आप थाने तशरीफ लाई थी। ओह आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप यूनिफॉर्म में नहीं थे ना, तो इसलिए पहचाना नहीं मैंने। यही मैं आपको बताना चाहता था कि पुलिस की यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ पुलिस वाला ही नहीं होता, एक आम आदमी भी होता है, दिल वाला। नहीं 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 नहीं, आप तो मेरा मसला सॉल्व करने आए, तो मेरे लिए तो आप बहुत खास हुए ना। बताइए क्या पियेंगे आप? जी पीने को छोड़िए, मैं बरस। आतिश साहब नीचे वाले पोर्शन में काबिज है, उसको तो मैं देख लूंगा, मगर वो देखिए मार पीट ना कीजिएगा, एक आध धमकी से भी काम चल जाएगा। अच्छा नीचे वाले पोर्शन में? आप स्टेयर से नीचे जाएंगे तो लेफ्ट पे उनका कमरा है। अच्छा चलिए ठीक है, पहले मैं ये आतिश साहब को ठीक कर लूं, फिर आराम से बैठ के चाय पियेंगे। थैंक गॉड।
महके महके हुए जज्बात के नाम, आज की रात इसी बात के नाम। आहा, भाई बहुत अच्छी आमद हुई है, इसको पूरा करेंगे। वाह वाह वाह, महके महके हुए जज्बात के नाम, आज की रात इसी बात के नाम। वाह 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 वाह, ये क्या हो रहा है? हुजूर, गजल हो रही है उर्दू में। आपकी तारीफ उर्दू में? मैं इंस्पेक्टर वारिस अली हूँ पंजाबी में। तो आप इंस्पेक्टर हैं? जी। ये तुमने जेबी जी का किराया कब से नहीं दिया? जी वो कुछ अरसे से नहीं दे पाए उर्दू में। कितना अरसा हो गया है उर्दू में? यही कोई 2-3 बरस हो गए जी। ये कुछ अरसा नहीं है, इसको कहते हैं अरसा दराज फारसी में। वो ठीक है हुजूर, 3 बरस हो गए। अपना मजमूआ कलाम हम एक पब्लिशर को दे आए थे, आज तक हमारी नहीं सुनी गई। आजकल शायरों बेचारों की कौन सुनता है उर्दू में? मैं सुनता हूँ शायर की और सुनाता भी हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर कल तक तुमने इस कमरे का किराया जेबी जी को ना दिया तो मैं तुम्हें अरबी में धमकी दे रहा हूँ तो यहाँ से यल्ला यल्ला, वरना फिर अल्लाह अल्लाह। समझ गए मेरी बात? जी बेहतर जनाबे वाला, मैं कल आऊंगा फिर। बेहतर, या किराया दो या ये कमरा खाली करो। अच्छा जनाब, बेहतर जनाब। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। जो रिश्वत लोगे सरेआम तो भांडा फूट जाएगा। होश है कि नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है कि हम रिश्वत लेते हैं यहाँ पे? अरे रोशन, और तेरे पास माचिस है? जी क्या करनी है सर? इसको आग लगानी है यार। बेवकूफ, जहां पर रेट करनी होती है ना वहां बड़ी तरतीब से जाना पड़ता है, टाइमिंग होती है उसकी। आ मेरे पीछे, ये देख रहा है फल, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे रखते हैं। ये घोड़े पे हाथ यूं सीधा रखना है, कभी यूं नहीं रखना, चल जाए ऐसे रखा, ऐसे गए दीवार फलांगी। क्या कर रहा है उधर, कर चढ़ जाएगी वो। सर जी इसमें राउंड नहीं है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। ये क्या हो रहा है सर जी? वो कभी कभी मुजरम पकड़ने के लिए वो एक्टिंग करनी पड़ती है ना सर, तो मैं सिखा रहा था जी। रोशन, मुजरम पकड़ने के लिए एक्टिंग की नहीं अकल की जरूरत होती है। जी सर। वो वारिस किधर है? वो उनकी शरीक है यार, बहुत सख्त बीमार है जनाब। ओ अल्लाह उन्हें शिफा दे। ओके बैठिए सर। थैंक यू भाभी, थैंक यू। मैं आपकी असल में खबर लेने के लिए आया था। आप बिल्कुल ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। लेकिन वारिस मुझे कह रहा था कि आप बहुत सख्त बीमार हैं। क्या? वो तो कह रहा था कि आज आपके बेटे की सालगिरह है। बहुत झूठा है ये, है कहाँ वो? वो तो मुझे ये कह रहा था कि आज आपके तीसरे बच्चे की सालगिरह है। लहाल वाला को मेरी तो भाभी एक ही बेटी है। क्या? यस। वो लेकिन अगर वो आपके घर पे नहीं गया तो फिर वो मुझसे झूठ बोल के कहाँ चला गया? जी वाली साहब, इसकी क्या जरूरत? ये जरूरत नहीं है, ये रवायत है। फूल जैसे लोगों को फूल पेश करना। जी शुक्रिया, आपने तो कमाल कर दिया। कल से अब तक आतिश साहब ने एक दफा भी गजल नहीं गाई। अच्छा। बस एक दफा और धमकी लगा दीजिए, फिर बिल्कुल राह रास्त पर आ जाएगा। जी वो तो मैं लगा दूंगा, मगर वो मगर मगर मैं ना फिर बताऊंगा, पहले मैं ये आतिश बुझा लूं। है इश्क पर जोर नहीं है वो ये आतिश वाले के लगाए ना लगे। अपना आदि साहब, ये क्या?
इंशाजी उठो अब कुछ करो इस घर में जी को लगाना क्या। बांध लिया सामान अब छोड़ दिया ये मकान। आतिश साहब अगर आपने ये घर छोड़ा तो मैं आपको दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर दूंगा। जी आप ही तो थे कल धमकी देने वाले उर्दू में। ओह आतिश साहब आप बात को समझ नहीं रहे, अगर आपने ये घर छोड़ दिया तो हम यहाँ कैसे आया करेंगे आपके वो शेर सुनने। जी जी आतिश हो या बारिश मुझे कल तक ये मकान खाली चाहिए, समझे? समझे तो समझेगा कैसे नहीं जी, खुद ही समझ आएगी इसको। आइए हम चल के चाय पीते हैं। तो ताला लगा हुआ है, ये भी पता नहीं कहां चलेगी ये। हालांकि उसे अच्छी तरह पता कि मेरे आने का टाइम है। ओहो मेरा खड़ा वो क्या नाम है नीचे शहर का, हाँ आतिश मियां, उससे पूछो। हाँ ला 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 ला। वाह जी वाह, अपना आतिश दान साहब, अपना आतिश साहब, ये क्या इंकलाब है। बस ये आपकी हौसला अफजाई का नतीजा है उर्दू में। क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब पिछले कई बरसों से मैं अपने हिसार में कैद था, आपकी धमकी ने मुझे आजाद कर दिया। मैंने अपने हिसार से निकलकर इस दुनिया से अपना हक मांगा और कामयाब हो गया।